भले ही प्रदेश की मनोहर सरकार और दूसरे प्रदेशों की सरकारें लाख दावे करें कि लिंग जांच और भ्रूण हत्या पूरी तरह से प्रतिबंध है, लेकिन दिन दिहाड़े हो रही लिंग जांच और अबॉर्शन जैसी घटनाएं उनके दावों की पोल खोलती हैं। और अस्पतालों में अबॉर्शन कर भ्रूण हत्या करने वाले हत्यारे डॉक्टरों और उनके स्टाफ के चेहरों को भी उजागर करती हैं। ऐसा एक मामला पलवल से सामने आया है। पलवल में स्थानीय विभाग और कैंप थाना पुलिस की संयुक्त टीम ने PNDT एक्ट के तहत 4 आरोपियों को धर दबोचा। स्वास्थ्य विभाग की टीम एक महिला को ग्राहक बनाकर इन आरोपियों के पास पैसे देकर भेजा था। जैसे ही ये आरोपी महिला को अबॉर्शन के लिए गाड़ी से गाजियाबाद के दादरी ले जाने लगे तो पुलिस ने स्वास्थ्य विभाग की टीम की मदद से उन्हें पलवल के आगरा चौक पर धर दबोचा और आरोपियों से 40,000 रुपए बरामद कर लिए। वहीं कैंप थाना पुलिस इंचार्ज इंस्पेक्टर यादराम ने बताया कि चारों आरोपियों को 3 दिन के पुलिस रिमांड पर ले लिया गया। रिमांड के दौरान आरोपियों के मोबाइल व्हाट्सएप से इस प्रकार की 12 घटनाओं का खुलासा हो चुका है। पिछले 7-8 सालों में आरोपी 150 से ज्यादा महिलाओं के गर्भ में पलने वाले भ्रूण की जांच करवा चुके हैं। जो भ्रूण लिंग जांच संबंधित पैसे ले रहे खुल के और काफी दिनों से स्कैंडल चला हुआ है। 4 मौके पे रहने लिए इन्होंने अरेस्ट कर लिए हैं और जैसा उनकी कंप्लेंट थी, कंप्लेंट के अनुसार मुकदमा नंबर 109 कल की डेट थी, जिसमें धारा 3, 4, 5, 6, 23 ये भ्रूण जांच से संबंधित और 120 भी IPC के तहत मुकदमा अंकित कर लिया गया है, तफ्तीश जारी है। आरोपियों ने बताया कि इस मामले में उनके साथ 17-18 अन्य युवक भी शामिल हैं। वी न्यूज के लिए संजय राठौर की रिपोर्ट।